साफत को पति का प्यार चाहिए था ना, पर उसका पति उसे प्यार नहीं, उस पर वार करेगा। अधराज, बस इसे और कसने की जरूरत नहीं है। ये सब आपने किया, और कौन कर सकता है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज से 3 दिन बाद आधे चांद की रात है। उस दिन मेरी शक्ति तेरा और तेरी भक्ति का अंत करेगी। 3 दिन बाद अंत तो जरूर होगा, पर वो अंत तेरा होगा। और हम चाहते हैं कि आज तुम इस कुमकुम पर से चलकर इस कक्ष में प्रवेश करो, जैसे ग्रह प्रवेश होता है। 7वां वचन, हर सुख और दुख में आपके साथ खड़ी रहूंगी। रानी माँ, ये सब क्या हो रहा है? 21 वर्षों में पहली बार वो अधिराज मेरी बातों को अनसुना कर किसी और की सुन रहा है। पर अब और नहीं, अब ना तो मैं उसे किसी और के इशारों पर चलने दूंगी, ना ही उसे किसी और से प्यार करने दूंगी। अब उस अधिराज पर मेरे इस काले साए का ऐसा प्रकोप होगा कि वो वही सुनेगा, वही करेगा, वही बोलेगा जो चंद्र लेखा चाहेगी। हम जानते हैं तुमने हमारे कारण बहुत से दुख और तकलीफें सही, हो सके तो हमें क्षमा कर देना। आपको क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और जब कभी तुम्हें अपने घर जाने का मन करे तो बेझिझक हमें बता देना, हम स्वयं तुम्हें छोड़ने जाएंगे। अब मैं यहां से मृत्यु के बाद ही जाऊंगी। मृत्यु का नाम नहीं सुना था। भोजन को पति का प्यार चाहिए था ना, अब वो अधिराज उसे सिर्फ घृणा देगा। सिर्फ घृणा।
अच्छा ये हमने किया? हमें क्षमा कर देना, सुन लेना, पता नहीं अचानक से क्या हो गया था हमें। तुम ठीक तो हो? कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए कुपाल है। सुंदर लग रही हो तुम, अपने केश ऐसे रखा करो, अच्छे लगते हैं तुम पर। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। तुम उसको उतार सकती हो? एक क्षण के लिए बस हमें ये हार अच्छे से पहन के दिखा दो। ठीक है। कैसा लगा? बहुत सुंदर। अधराज, बस इसे और कसने की जरूरत नहीं है। अधराज, इसे और मत कसो। रानी माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। रानी माँ, बात ही ऐसी कि खुशी के मारे पागल हो रही हूँ। अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि सचमुच मैंने वो देखा। ऐसा क्या देख लिया? सांप के पैर या गधे के सर पर सींग? उससे भी बड़ी असंभव चीज देखी रानी माँ। हर बार उस आफत की जान बचाने वाला धीराज आज उसी की जान लेने वाला है।
बाजी मारना तो चंद्रलेखा के बाएं हाथ का खेल। साफत को पति का प्यार चाहिए था ना, पर उसका पति उसे प्यार नहीं, उस पर वार करेगा। परीक्षा ले रही हूँ, मेरी रक्षा करूंगा। हम जानते हैं तुम यहीं कहीं छिपी हो, सामने आ जाओ, देखो तुम हमें जितना परेशान करोगे, हम तुम्हें उतने ही बुरे मौत देंगे। जय मां अम्बे। सुनो, अब कहां भाग कर जाओगे सुमेना? और तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बता दोगी आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तुम क्या कर रहे हो यहां? चलो जाओ यहां से। क्षमा कर दो, मैं जानता हूं तारा कि उस दिन तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर मेरे जाने का कारण सुनोगी तो। नहीं सुनना मुझे। अगर मैं ये कहूं कि मैंने तुम्हारी दीदी का पता लगा लिया है तो भी नहीं सुनोगी? सच? उस दिन तुम्हारी दीदी का पता लगाने के लिए ही मैं तुम्हें छोड़कर गया था तारा, क्योंकि जहां मैं गया था वहां तुम्हें नहीं ले जा सकता था। तो कहां है मेरी दीदी? मुझे ले चलो ना उनके पास। ले चलूंगा, बस मुझे एक बार वहां तक जाने का रास्ता मिल जाए, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। तुम कितने अच्छे हो,
और मैंने तुम्हें कितना गलत समझा था। मुझे माफ कर दो स्वराज। सब आपने किया। और कौन कर सकता है मूर्ख लड़की। यहाँ पर पत्ते भी हमारी मर्जी से हिलते हैं। तो अधिराज तो हमारा आज्ञाकारी बेटा है, उसे तो हमारी बात माननी ही पड़ेगी। और अगर सीधी तरह से नहीं मानेगा वो, तो हमें थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा। हाँ। देख लड़की, अब तेरे पास सिर्फ दो विकल्प हैं। पहला, यहां से भाग जा, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें। और दूसरा, मत भागो। पर अगर भाग गई तो हमारे द्वारा निर्मित काला साया तुम्हारे पति परमेश्वर को हमेशा हमेशा के लिए जकड़ लेगा। नहीं। और अगर नहीं भागी तो तुम्हारे पति परमेश्वर के हाथों तुम्हारी हत्या होगी। क्या हुआ, दुविधा में हो? जाओ, कुछ क्षण दिए विचार करने के लिए। अच्छे अधिराज, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। और हाँ, हमने उस आफत को कुछ समय और दिया है विचार करने के लिए। तब तक आप उसे इतना डराएं कि वो सोचने समझने लायक ना बचे। रानी माँ, आप तो जानती हैं कि वो आफत इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। अगर उसने इस बार भी आपकी योजना सफल कर दी तो? नहीं कनक, इस बार नहीं। क्योंकि इस बार मैंने दो योजनाएं बनाई हैं, जिसमें एक की असफलता का मतलब है दूसरे की सफलता। रानी माँ, मैं समझी नहीं। स्वराज उस आफत की बहन के साथ है, वो उसे बहला फुसला कर इस महल में लाने वाला है। और दूसरी ओर मैंने उस आफत को बहुत थोड़ा सा समय दिया है, इतना कम समय कि वो इस महल को छोड़कर भाग ही नहीं सकती। फिर क्या, एक तीर से दो शिकार? नहीं, एक तीर से कई शिकार। क्योंकि तब तक अधिराज पर मेरा जो साया है वो उस आफत के जीवन में तबाही मचा देगा। तबाही मच जाएगी रानी साहब, तबाही।
अगर उस काले साए को राजकुमार के ऊपर से नहीं उतारा गया तो। मैं जानती हूँ काका, पर मैं उस काले साए को कैसे दूर करूँ? हमें माँ का कुंडा भी नहीं है मेरे पास। कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं अपने सुहाग को उस डाकिनी के प्रकोप से बचा पाऊँ। हाँ, है एक रास्ता, पंचधातु की मूर्ति। बड़ी रानी साहब अम्बे माँ की बहुत बड़ी भक्त है, उन्होंने ही वो मूर्ति बनवाई थी। अब वही शक्तिशाली मूर्ति उस काले साए को राजकुमार से दूर कर सकती है। सच काका? कहाँ है वो मूर्ति? ये तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि जिस दिन से ये डाकिनी इस महल में आई है उसी दिन उसने उस मूर्ति को ना जाने कहाँ छुपा दिया। महल में ही कहीं छुपाई होगी ना। हाँ। माता की मूर्ति को मैं ढूंढ कर रहूंगी काका। इतना बड़ा महल है, कहीं हफ्ते लग जाएंगे ढूंढने में, और हमारे पास समय भी बहुत कम है। आत्मविश्वास रखिए काका, क्योंकि आत्मविश्वास वो सीढ़ी है जो सफलता की ओर लेके जाती है। मुझे कसम है मेरे सुहाग की कि मैं वो पंचधातु की मूर्ति ढूंढूंगी और अपने पति को उस डाकिनी के काले साए से बचाऊंगी भी। जय अम्बे माँ। अधिराज कक्ष के बाहर ही खड़ा है, अब मैं अपना कुंडा कैसे लूं? मेहनत करने पर भी पंचधातु की मूर्ति भी नहीं मिल रही है मुझे। ये लीजिए, राजा साहब के सामान में मिला। महल का नक्शा? हाँ, शायद इससे कुछ मदद मिले। धन्यवाद काका। मुझे ढूंढ रहे थे ना? लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। रुक जाओ, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, मार देंगे। कहाँ छुपी हो सुनैना? बाहर आओ, बंद करो।